जींद जिले के विशपुरा गांव में बुधवार दोपहर को शहीद सैनिक अमरनाथ का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें प्रशासन की तरफ से तहसीलदार मनोज कुमार ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा, पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढूल, पूर्व कर्नल डी के भारद्वाज समेत हजारों की संख्या में ग्रामीणों व आसपास के क्षेत्र के लोग शहीद के अंतिम यात्रा में शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। बता दें कि जींद जिले गांव बिशनपुरा निवासी सैनिक अमरनाथ 106 इंजीनियरिंग रेजिमेंट भारतीय सेना में हवलदार के पद पर सिक्किम में तैनात था, जिसकी गत 20 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान उसकी आर्मी की गाड़ी पहाड़ी इलाके में पलटने से मौत हो गई। वे अपने पीछे पत्नी, एक 9 वर्षीय बेटी व 5 वर्षीय बेटा छोड़ गए हैं। ग्रामीणों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि शहीद को नियमानुसार आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए तथा शहीद के नाम पर गांव का मुख्य द्वार व गांव में उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाई जाए। पता लगा इसके बारे में? नवम्बर को गया था। क्या बात हुई थी आपके साथ? बातचीत हुई है कुछ? मेरी फ्राइडे को बात हुई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे जी। और संडे को मेरे पास कॉल आया था इनका, आर्मी वालों का। तो उस टाइम तो ये बोल रहे थे कि इंजर्ड है, चोट लगी हुई है विजेंद्र। और उसके मौत का पता, इसके शहीद होने का पता लगा मंडे को सुबह जी। और सब ये अपना पार्थिव शरीर है कब पहुंचा गांव में? आज बच्चा 23 बजे के लगभग। और पूछ लो बड़े, परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता जी है, एक मिनट, पिताजी 2017 में एक्सपायर हो गए थे, एक बहन अभी 10वें महीने में एक्सपायर हुई थी, एक बहन और है, एक मैं। तो बच्चे कितने, क्या क्या इंसान? एक लड़की है 9 साल की, एक लड़का है 5 साल। नाम क्या है बच्चा बच्चों के? लड़की का नाम है महक और लड़के का मैं। और पत्नी क्या करती है? हाउसवाइफ है। तो घर का सब कुछ वहीं से चल रहा है। उम्र कितनी थी इनकी? इनकी 37 तो किस तरह की मांग करती है? कोई प्रशासन से, कोई मांग सरकार से या कुछ? एक मिनट वहीं जी बताइए। अगर पॉसिबल है तो इनके मैसेज को, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो, और एक सभी गाँव वासियों का और जो मित्र प्यारे आए हुए हैं उनकी तरफ से डिमांड है जी, एक तो जो गांव का मुख्य द्वार है वो उनके नाम से बन जाए, एक लाइब्रेरी के लिए बोल रहे हैं सर, और एक स्टेडियम। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।